गली में आपको आपको मिल जाएगा। ऐसे ही एक खूबसूरत वीडियो में अगली बार तो मिल देखते रहे। ये है क्या है, ये अफगानी चिकन है, अफगानी चिकन और ये बहुत लजीज लग रहा है। अभी, अभी, अभी आप सब भूल जाओगे तो कैसे चलेगा इसका प्राइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीतीश एंड कुजीन। मैं हूं नीतीश और आज एक बार फिर से मैं आपको लेके आया हूं एक नई जगह पे। जैसे ही मुझे पता चला कि रांची में नया रेस्टोरेंट खुला है, मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों तक इस चीज़ को शेयर करनी चाहिए। तो इसकी जो एड्रेस है वो है बरियातू के पास एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है, रिम्स हॉस्पिटल। जैसे ही आप रिम्स के पास पहुँचोगे आपको 200 मीटर के बाद ये जगह मिलती है। आपको सीधा जाने पर मिलेगा बरियातू थाना और उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली गली में आपको आना है और आपको मिल जाएगा द मिराज। तो द मिराज इसका नाम है। आज हम लोग यहीं पे आए हुए हैं। एम्बियंस मुझे बहुत खुला खुला बहुत खूबसूरत सा लगा तो मैं यहाँ पे आ गया और देखते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है। लाइव म्यूजिक है, डांस है, सब कुछ है, ओपन एयर रेस्टोरेंट है तो काफ़ी खूबसूरत सा माहौल लगा। शाम के टाइम इसकी खूबसूरती में चार चांद आ जाता है। तो बिना किसी देर के चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसी है ये जगह और कितना खूबसूरत है इसका एम्बियंस। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे आओ तो मुझे लगता है आपको शाम को आना चाहिए क्योंकि शाम की जो लाइटिंग्स है वो बहुत खूबसूरत है। तो देखिए अभी शाम हो भी चुका है तो चलिए देखते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं इसका पूरा एम्बियंस कि कितना खूबसूरत है। फ्रेंड्स, ये है द मिराज जो कि आप देख सकते हो प्योर ओपन एयर रेस्टोरेंट है और काफ़ी खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है और इसमें अभी काम चल ही रहा है और मुझे लगता है कि ये और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कुछ दिनों में। तो फिलहाल जितना भी है काफ़ी सही है तो चलिए देखते हैं इसके मेन्यू में क्या क्या है और उसके बाद कुछ ऑर्डर करते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे अच्छा बात जो है ना वो यहाँ का म्यूजिक सिस्टम है। यहाँ काफ़ी लाउड म्यूजिक रहता है तो अगर आप दोस्तों के साथ आओगे तो खूब अच्छा स्पेस भी है, आप डांस भी कर सकते हो। और मेन्यू कार्ड मेरे पास में है, आपको वीडियो के एंड में मेन्यू कार्ड मिल जाएगी जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों के ही भरपूर वैरायटी है। यहाँ पे वेज बिरयानी, फ्राइड राइस, नूडल्स और बहुत सारी चीज़ है मेन कोर्स से लेके स्टार्टर तक। तो क्योंकि नया रेस्टोरेंट है तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एक आइटम वेज में मंगाते हैं और कुछ नॉन वेज में मंगाते हैं और देखते हैं कि टेस्ट यहाँ का कैसा है। प्राइजेस और जो भी मेन्यू कार्ड में है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ का पूरा एड्रेस भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहाँ पे यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से कुछ ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का खाना का टेस्ट कैसा है।
सो फ्रेंड्स, हमारा ऑर्डर आ चुका है और हमने क्या क्या ऑर्डर किया है, ये है अफगानी चिकन जिसके प्राइस है 409 रुपया, और आप देखो इसमें कितने पीसेस मिले हैं, एक पीस, दो, तीन, चार, चार पीसेस मिले हैं इसके। और ये है नूरानी कबाब और इसकी प्राइस है 419 रुपया, ये भी एक स्टार्टर है। और ये है पनीर चिल्ली जो कि 249 रुपये की है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टर्स आ चुके हैं, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। पहले मैं अफगानी चिकन से शुरुआत करने वाला हूँ, और जिस तरह की इसकी क्वांटिटी है और जिस तरह से इसका प्राइस है, मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं, मेरे लिए तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टेस्ट कैसा है। टेस्ट की मैं बात करूं तो टेस्ट अफगानी चिकन का काफ़ी अच्छा है, मैरिनेशन बहुत परफेक्ट है, पर क्वांटिटी और प्राइस मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। या तो इन्हें अपना क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहिए या तो प्राइस थोड़ा डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि 409 रुपया मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट हमें नूरानी कबाब भी सर्व हुआ है, आप देख सकते हो, ये भी चिकन की एक डिश होती है और इसकी प्राइस है 419 रुपया। तो मैं ये भी ट्राई करके देखता हूँ कि ये कैसा है, ये हरी वाली चटनी के साथ में। टेस्ट की बात करें तो यहाँ का टेस्ट अच्छा है, पर प्राइस की बात करें तो प्राइस यार थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या तो क्वांटिटी आप बढ़ा दो। टेस्ट अच्छा है, दोनों कबाब की डिशेस हैं तो एक अच्छा फ्लेवर आ रहा है, टेस्टी है, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक वेज की डिश मंगाई है और ये है पनीर चिल्ली, और इसकी जो प्राइस है वो है 249 रुपीस, 249 रुपये का है, देखने से काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो चलिए ट्राई करते हैं। सॉस काफ़ी अच्छे से लग रहा है, कलर काफ़ी अच्छा है, पनीर चिल्ली का टेस्ट बहुत अच्छा है, पनीर सॉफ्ट है, फ्रेश है, टेस्टी है। तो टेस्ट के, अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो मुझे टेस्ट तीनों का ही डिश काफ़ी अच्छा लगा, या तो नूरानी कबाब हो, या तो अफगानी चिकन हो, या पनीर चिल्ली हो, टेस्ट तीनों का बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे प्राइस महंगा लगा। जैसा क्वांटिटी था, जैसे अफगानी चिकन का 409 रुपया, को एज कम्पेयर टू क्वांटिटी मुझे प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, तो फूड आप एंजॉय कर सकते हो, टेस्टी खाना। फूड का टेस्ट सच में बहुत अच्छा है, मतलब कि यहाँ के जो शेफ होंगे उन्होंने काफी मेहनत से बनाया है, मुझे लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे रांची में जितने भी नए रेस्टोरेंट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी पहुँचाते हैं, जो भी फेमस जगह है उसके बारे में बताते हैं। तो देखते रहिएगा नितीश एंड कुजीन, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही एक खूबसूरत वीडियो में अगली बार। सो बाय बाय एंड टेक केयर।